फिल्म का टेंटेटिव टाइटल है रब मुझे प्यार हो गया है, और मैं एक बहुत अमीर रईस सरदार बिजनेसमैन का रोल कर रहा हूँ, और मेरा बेटा है और उसे इश्क हो जाता है दूसरी फैमिली के की बेटी के साथ, और उस फैमिली और मेरे में बहुत पुरानी दुश्मनी है। तो अब क्या होता है पिक्चर आप देख के बताइए, जान जाएंगे आप। मैं हूँ दाइमा, लड़की की क्योंकि माँ नहीं है और पाला पोसा किसी कैरेक्टर नहीं है जो मैं कर रही हूँ, और इस घर में मैं काम करती हूँ और अब पाला है बच्चे को, लिहाजा है बड़ा इमोशनल एक हिसाब किताब का रोल है हमारा बच्चे के साथ। और फिर ये हमारे भाई साहब बने कबीर जी, तो मज़ा भी आ रहा है, बहुत दिनों बाद सालों बाद हम मिले हैं। ये एक क्लासिक रोमियो एंड जूलियट प्लॉट है, लेकिन इन हर एक प्लॉट में जो वेरिएशन आता है बात उसकी होती है, और इस फिल्म में एक बहुत ही यूनिक सा वेरिएशन आया है जो मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि पिक्चर का जो सेंट्रल पॉइंट है निकल जाएगा, लेकिन वो वेरिएशन काफ़ी यूनिक है। और इसमें यूथ है, कॉमेडी है, और एक अलग किस्म के सरदार का रोल है जो मैं बहुत गर्व से निभा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये भी यादगार बन जाए, मेरी दुआ है हम सबकी कोशिश, जितना मुझे जहाँ लगेगा कि मेरी जरूरत है कि मैं उन्हें कुछ गाइडेंस दूँ, मैं चुकूंगी नहीं, ज़रूर दूंगी, मेरा काम ही वही है। हेमंत जी मेरे दोस्त हैं, मैं भाई को भी अच्छी तरह जानता हूँ, तो जब उन्होंने मुझे ये फिल्म का ऑफर दिया, एक तो मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और दूसरा एक प्रोजेक्ट ऐसा था हेमंत जी का कि मैं इनकार नहीं कर सका, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें उभर आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली प्रोजेक्ट का क्या फेट होता है वो तो बॉक्स ऑफिस पे ही चलता है। लेकिन फरीदा जी और मैं इतने सालों बाद काम कर रहे हैं तो उसका एक ख़ास मज़ा है, दैट इज़ अ बोनस है। ये ज़्यादा सुंदर बन गई हैं, मैं ज़्यादा बूढ़ा बन गया हूँ तो उसकी दोस्ती अभी तक चल रही है। मैं समझता हूँ कि अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो और फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी हो टू प्रेजेंट द फिल्म, तो दर्शक अपने आप आएंगे। अगर हमारी वजह से आएंगे तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, वी बी वेरी। ये मेरा तो पहला शेड्यूल है, इसके बाद कुछ और डेट्स हैं। फरीदा जी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन कब शुरू किया उन्होंने ये काम इस फिल्म में मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी काम करती हैं कमाल का करती हैं, कॉन्फिडेंट ही रहती हूँ। मेरी दुआ रहती है कि वो ज़रूर चले, फ़ायदा हो, जिन्होंने बोले प्यार से बना रही जो फिल्म उनको हर किस्म का फ़ायदा हो उससे, और नए नए बच्चे हैं उनके लिए तो दुआ ही निकलती है कि अल्लाह उनको परवान चढ़ाए।